दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp को आप अपने फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। यदि आप अपने WhatsApp में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको ऐसा एक ट्यूटोरियल बताऊंगा जिसके मदद से बहुत ही आसानी से WhatsApp को आप लॉक कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट की मदद से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना होगा अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पे जाकर आपको अपना WhatsApp अपडेट कर लेना। दोस्तों WhatsApp अपडेट करने का मतलब ये होता है कि आपका बीटा वर्जन होना चाहिए। यदि आपका WhatsApp बीटा वर्जन नहीं है तो बीटा वर्जन बनने के लिए कि आपके बीटा वर्जन कैसे बन सकते हैं इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। सबसे पहले आपको अपना बीटा वर्जन होना चाहिए, फिर बीटा टेस्टर होना चाहिए। उसके बाद आपको बीटा टेस्टर बनने के बाद आपको अपने WhatsApp को अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको खोल लेना होगा अपना WhatsApp। यहाँ देख सकते हैं मेरा WhatsApp यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यदि मेरा अपडेट होने के बाद यहाँ पे मैंने WhatsApp खोला, आप हमें जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद हमें जाना होगा अपने अकाउंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट लिखा हुआ है। अकाउंट पे जाने के बाद हमें जाना होगा अपने प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना होगा। प्राइवेसी के ऊपर जैसे ही क्लिक करके थोड़ा सा यदि हम नीचे जाएंगे तो हमें ये नया फीचर्स फिंगरप्रिंट लॉक का देखने को मिल जाएगा। यदि आप में ये लॉक फिंगरप्रिंट का नहीं है तो मतलब आप बीटा टेस्टर नहीं है और आपने अभी तक अपने WhatsApp को अपडेट नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही फिंगरप्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इसको इनेबल करने का ऑप्शन आ गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक ले लेता है, जैसे आपके मोबाइल में जो भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ उस सारे फिंगरप्रिंट से यह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि इमीडिएटली लॉक करना चाहते हैं आफ्टर एक मिनट या आफ्टर 30 मिनट। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि यदि आप इसको इमीडिएटली रखते हैं तो जैसे ही आप WhatsApp से बाहर आएंगे उसके बाद जैसे ही अपने दोबारा से WhatsApp खोलेंगे आपका WhatsApp आपको लॉक मांगेंगे, वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों एक ही और बताता हूँ, ये जो फिंगरप्रिंट लॉक में दिया गया है यहाँ पर आप पासवर्ड का यूज नहीं कर सकते या फिर इसके अंदर पासवर्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि WhatsApp में मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया हूँ, तो अब इसको मैं यदि हटा देता हूँ तो फिंगरप्रिंट मेरा मांगता है कि नहीं मांगता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं इसे फिंगरप्रिंट खोला यहाँ देख सकते हैं कोई भी पासवर्ड के लिए ऑप्शन नहीं, जैसे मैं यहाँ फिंगर लगाऊंगा यह मेरा ऑटोमेटिक वर्क कर लेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से WhatsApp पे नए फीचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, WhatsApp पे अपने फिंगर को से इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार दोस्तों, यह WhatsApp की तरफ से नया फीचर से कुछ दिनों में सभी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि से अभी आप यूज करना चाहते हैं तो आपको बीटा टेस्टर होना चाहिए, उसके बाद आपका WhatsApp अपडेट होना चाहिए, तो उसके अंदर ये फीचर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।